अस्सलामु अलैकुम व व व व व व रहमतुल्लाहि बरकातहू रब्बिल आलमीन सलातु सलाम अला अला रसूलिल अमीन आलिही अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहू ला रबलमिन वाला व वब अन्न मुहम्मदन अब्दुहू व रसूल नाज़रीन आई प्लस दी हेल्पलाइन में आपका इस्तकबाल है इस प्रोग्राम में हम आपकी तरफ से आने वाले सवाल के जवाब देने की कोशिश करते हैं आज का प्रोग्राम शुरू करने से पहले आपको बता दें कि अगर आप भी अपने सवाल हम तक भेजना चाहें और उनके जवाब मालूम करना चाहें तो स्क्रीन पर जो नंबर शो हो रहा है इसे नोट फरमा लें इस नंबर पर आप अपने सवाल भेज सकते हैं वीडियो में ऑडियो में या लिख कर लेकिन याद रहे जो सवाल हमको वीडियो और ऑडियो में मौसू होते हैं हम जवाब के लिए उन्हें पहले चुनते हैं सवाल पूछते हुए याद रखें आपका सवाल कम से कम अल्फाज में हो आपका सवाल बा मकसद हो उसका ताल्लुक अमल इबादत से हो फर्जी सवाल ना हो इसी तरह सवाल पूछते हुए अपना नाम और पता भी बताने की कोशिश करें इन चीज़ों का ख्याल करते हुए अगर आपके सवाल हम तक आते हैं तो हमारी पूरी कोशिश होगी कि उनके जो सही जवाब हो सकते हैं वो आप तक पहुँचाएँ तो नाजिरें आइए आज का प्रोग्राम शुरू करते हैं हमारे पास सबसे पहले वीडियो में कुछ सवाल आते हैं उनको देखते हैं देखते हैं पहला सवाल असलकम व मेरा नाम अंजुम आलम है और मैं किशनगंज बिहार का रहने वाला हूँ शेख मेरा सवाल यह है कि नमाज के हालत में हम पैंट पजामा या लुंगी कुछ भी पहने हो वो अगर नाभि के नीचे हो तो क्या नमाज होती है ये अंजुम आलम भाई हैं बिहार से सवाल कर रहे हैं कि अगर कोई आदमी पैजामा तहबन पैंट या कुछ भी पहनता है और वो नाफ के नीचे है यानी बिल्कुल नीचे है पेट के बिल्कुल नीचे है तो उससे नमाज होगी कि नहीं तो देखें भाई अगर पैजामा तहबन लुंगी जो भी है वो नाफ के नीचे कहीं भी उसे फ़र्क नहीं पड़ेगा मसला ये है कि ऊपर उसने क्या पहन के रखा है अगर ऊपर उस उसने अच्छा सा कुर्ता पहन के रखा है बड़ा कुर्ता है या जुब्बा पहन के रखा है तो वो कितना भी नीचे पहन रहा है पैजामा वगैरह अंदर से तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है क्योंकि पूरा जिस्म उसका ढका है नीचे के कपड़े से अगर कुछ हिस्सा ऊपर का नहीं ढका है तो ये जो ऊपर का कपड़ा है जो दूसरा कपड़ा है कुर्ता है या जुब्बा है जो भी है तो इससे तो उसका पूरा बदन ढका हुआ है तो इसमें कोई मसला नहीं मसला तब होगा जब वो इतना छोटा यानी कुर्ता भी छोटा जिसे शर्ट है ना शर्ट बिल्कुल छोटा पहन के रखा है और पैंट भी इतना नीचे पहन के रखा है कि वो रुकू में जाता है तो पीछे खुल जाता है उसकी सतर जो है दिखने लगती है तो ये चीज गलत हो जाएगी लेकिन अगर उसने ऊपर से भी पहन के रखा है तो नाफ के नीचे पैंट कुर्ता पजामा कुछ भी नाफ के नीचे पहनता उससे कोई मसला नहीं है बस कि ऊपर का जो उसका कुर्ता है शर्ट है जो भी है वो नीचे से ढका हो यानी सतर उसका नहीं खुलना चाहिए वो सतर उसका दिखना नहीं चाहिए चाहे नीचे वाला हाँ कपड़ा उसको ढके चाहे ऊपर वाला ढके लेकिन वो ढका होना चाहिए दिखना नहीं चाहिए तो अगर ये हालत है तो उसकी नमाज हो जाएगी कोई मसला नहीं है उम्मीद है कि आपको जवाब मिल गया होगा आगे बढ़ते हैं अगला सवाल देखते हैं वालक वरह वी मेरा सवाल ये है कि जुमा के दिन हमें कौन सा गसूल करना चाहिए जिनाबत या सीधे जब, जब हम खाने में जाते हैं तो सीधे हम एक नॉर्मल बात लेते हैं जिसमें वज़ू ना होता है ना शर्म का को हम धोते हैं और ना वज़ू करते हैं तो आप मुझे बताइए कि जुमा के दिन हमें कौन सा गुसल करना चाहिए गुसली जनाबत या सीधे जैसे हम नॉर्मल बात लेते हैं शुक्रिया भाई साहब ने कहा कि जुमा के दिन हमें कौन सा गसल लेना चाहिए देखिए जुमा के दिन जो खसूस का हुक्म है उसके बारे में अहले इल्म का इख्तलाफ है कुछ वाजिब कहते हैं और अक्सर अहले इल्म से मुस्त कहते हैं इस गुस्ल का तरीक़ा भी अहले इल्म यही बताते हैं कि गसल जनाबत जैसा ही ये गुस्ल करना चाहिए यह गुस्ल वाजिब है तो इसको भी वैसे ही अदा करना चाहिए जैसे गसल जनाबत का तरीक़ा होता है इसलिए इख्तलाफ से बचते हुए उसी तरीके पे गुसल करना चाहिए अगर आदमी जुम्बी है तब तो गसलो तो वैसे ही करना है लेकिन अगर आदमी जनाबत का शिकार नहीं है आम दिनों में जैसे आदमी नहाता है जैसा चाहे नहाता है तो इस दिन जुमा के दिन उसको ऐसा नहीं करना चाहिए उसको खसूसी एहतमाम करना चाहिए आमतौर से अहल इल्म ने यही लिखा है लेकिन ये बात जहन में रहे कि गसल जनावत का जो खास तरीका है वो लाजमी तभी होता है जब आदमी जनाबत का शिकार होता है अगर आदमी जनावत का शिकार नहीं है और पाक है तो वो जिस तरह से भी नहा ले कोई मसला नहीं क्योंकि उसे नज़ाफत हासिल करनी है जैसे डेली आदमी नहाता है सुबह में तो उसको मकसूद तहारत नहीं होती है कि वह आदमी जनाबत से बाकी हासिल करना उसको बल्कि वह सफाई चाहता है तो जिस तरह से चाहे नहा ले लेकिन जुमा के दिन चूंकि खसूसी हुक्म है यहाँ पे गसल का खसूसी हुक्म है सिर्फ हाथ पैर धुलने का हुक्म नहीं गसल का खसूसी हुक्म है इसलिए इल्म ने लिखा है कि ये गसल भी उसको उसी तरीके पे करना चाहिए और उसी तरीके का अहतमाम करना चाहिए जुमा के दिन वाले गौसल में भी उम्मीद है कि आपका जवाब मिल गया होगा नाजरीन ये कुछ सवाल थे वीडियो में अब हमारे पास ऑडियो में कुछ सवाल हैं उनको देखते हैं देखते हैं अगला सवाल असल वरहमल शेख मह आलम डेली से मेरा ये सवाल था हम जिस कंपनी में काम करते हैं वहाँ बहुत सारे स्टाफ मिलकर एक सोसाइटी बनाए हुए हैं और उस सोसाइटी में हमारे सैलरी का कुछ पैसा हर महीने कंट्रीब्यूट होता है और उस सोसाइटी में जमा होता है तो अब उस सोसाइटी के लोगों ने क्या किया कि उस पैसे से जो सूद बन रहा है इंटरेस्ट मनी उस इंटरेस्ट मनी से हमें हर साल कुछ ना कुछ गिफ्ट करते हैं वो गिफ्ट हमारे लिए जायज़ है या ना जायज़ प्लीज़ वज़ाहत करें जजाक अल्लाह खैर अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह ये एक भाई साहब इनका सवाल है कि बहुत सारे लोग कहीं पे मिल के एक जगह पैसा जमा करते हैं किसी की मदद वगैरह के लिए और इसको आसान जबान में कह लें कि एक तरह का समझिए बैतुल बैतुलमाल यानी वहां पे पैसे जमा करते हैं अब वो पैसे जो मुख्तलिफ लोगों की तरफ से जमा होते हैं बैंक में वो रखते हैं उसका एक, एक अकाउंट है वहां पे उस पैसे पे सूद आता है तो उस सूद के पैसे से कुछ गिफ्ट खरीद के लोगों में तकसीम करते हैं इन्ही लोगों में जिन लोगों का यहाँ पे पैसा होता है तो भाई साहब पूछने कि ये जायज़ है कि नहीं जायज ये बिल्कुल नाजायज और हराम है। सूद खाना इसके जवाब की कोई गुंजाइश है ही नहीं असल सूद में क्या है वो भी आप समझ लीजिए सूद के बारे में असल और इस पर किसी आलिम का कोई इख्त नहीं है उम्मत का इतफाक़ है कि सूद के मामले में असल ये है कि वो रकम उसे लौटा दी जाए जो सूद दे रहा है जैसे बैंक वाला है ये उसका पैसा है वो सूद हमें हमारे पैसे पे एक्स्ट्रा दे रहा है बढ़ा के दे रहा है तो ये पैसा असल उसी को लौटा देना चाहिए बाई डिफॉल्ट असल हुक्म यही है कि उसे लौटा देना चाहिए हम उसे नहीं ले सकते बाज़ुल्मा का कहना यह है कुछ मसलहत देख के कुछ मफ़ासिद कुछ मसाले वगैरह देख के वो कहते हैं नहीं नहीं आज के दौर में ये पैसे निकाल लेना चाहिए लेकिन ये उलमा कहते हैं निकालने के बाद वो खुद अपने मशरफ में नहीं लाएगा यानी जिसके पैसे पे सुधारा वो अपने मशरफ में नहीं लाएगा ना किसी मुसलमान के मशरफ में लाएगा बल्कि वो किसी गैर मुस्लिम वगैरह को दे देगा या ये कि कोई मुसलमान है जो मर रहा है मरने वाला है बीमार है बहुत बड़ी भयानक बीमारी में है तो उसको दे सकता है तो ये उलमा की राय है जो कहते हैं कि वो बैंक से पैसे निकाल सकता है यानी सूद के पैसे निकाले जा सकते हैं लेकिन निकालने के बाद आदमी अपने ऊपर खर्च नहीं कर सकता या एक नॉर्मल इंसान को नहीं दे सकता है बल्कि या तो वो नॉन मुस्लिमों में बांट दे या फिर वह पैसा ऐसे शख्स को दे दे जो मरने वाला है और उसको जान बचाने की ज़रूरत है यानी बहुत बड़ी बीमारी में मुबला है अगर उसका इलाज नहीं गया तो मर जाएगा और उसके पास और कोई पैसे नहीं हैं तो ये पैसे उसको दिए जा सकते ये कुछ इलमा की राय है घर कुछ इलमा की राय जैसे शेख अबिन वगैरह हैं उनकी राय यह कि बैंक से आप निकाल ही नहीं सकते और तो बैंक का पैसा है उसी का जो है सूद है आप उसको बिल्कुल नहीं निकाल सकते ये शेख अबिनला की राय है और बाज़ाह की राय है लेकिन इस जमाने में बहुत सारे उलमा कहते हैं कि नहीं आप उसको निकाल तो सकते हैं लेकिन खुद अपने मशरफ में नहीं ला सकते तो ये जो टीम है सब पैसा जमा कर रहे हैं ये खुद निकाल के अगर खुद ही अपने मशरफ में ला रहे हैं तो सब मिल बाट के सूद खा रहे हैं तो इसकी कोई गुंजाइश नहीं है ये सूद का पैसा या तो आप निकालें हिम्मत या अगर निकाल रहे हैं तो ऐसे शख्स को जो मौत के गहने पर खड़ा है और उसकी जान बचाने में यह पैसा काम आ सकता है तो वहाँ पर ये पैसा लगा दें यही ऑप्शन हो सकता है और या शेख रहमतुल्लाह के फतेह पे अमल करना है तो छोड़ दें उसको लही मत या अगर निकाल रहे हैं तो फिर ऐसे लोगों तक जाना चाहिए आम इस्तेफादा नहीं कर सकते उम्मीद है कि जवाब मिल गया होगा आगे बढ़ते हैं अगला सवाल देखते हैं व बरकातहू शेख हमारे यहाँ ये जो मैयत को है ना गर्म पानी से नहलाते हैं और गर्म पानी है ना और जो, उसूल जो करता है वो पानी को बहने नहीं देते उसको एक खड्डा खोद के खड्डे को छोड़ते और खड्डा है ना मतलब उसको पानी को गाड़ देते हैं पानी को मतलब ऊपर से मट्टी डाल के बंद कर देते ये क्या सुनने से साबित है क्या है जरा बताइए जैसा ये एक भाई साहब इनका सवाल ये है कि मई को गर्म पानी से कुछ लोग नहलाते हैं तो ये दुरुस्त है या नहीं सुनत से साबित है कि नहीं तो देखिए हदीस में तो ऐसा नहीं मिलता है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा हो कि गर्म पानी से नहलाओ लेकिन नहलाने का जो भी हमारे यहाँ सिस्टम है रिवाज है आम तौर तो से आदमी ज़िंदा होता है जिससे नहाता है उसी हिसाब से नहलाना चाहिए तो आजकल बहुत सारे लोग गर्म पानी इस्तेमाल करते हैं और ख़ास तौर से ठंडी का मौसम है तो गर्म पानी इस्तेमाल करते हैं ताकि वो ठंडे की तकलीफ़ ना हो इस तरह से गर्मी में भी बहुत सारे लोग गर्म पानी इस्तेमाल करते हैं ताकि अच्छे से सफ़ाई हो जाए तो यही मकसूद है का मकसद क्या है बदन की सफाई इसलिए अगर ये मकसूद है गर्म पानी के पीछे एक तो बहुत ज्यादा ठंडक है ये या फिर ये कि गर्म करने से सफाई बेहतर तौर से होती है तो नॉर्मल जिस तरह से आदमी जिंदा होता है और नहाता है तो उस तरह से गर्म करके मैयत को नहलाया जा सकता है इसमें कोई हर्ज की बात नहीं है क्योंकि इन सब का मकसद क्या है आराम से उसकी सफाई हो जाए आराम से उसका गसल हो जाए भाई साहब ने एक और बात पूछी है कि ये जो मईत को नहलाने वाला पानी है उसको कहीं गड्ढा वड्ढा खोद के वहाँ जमा कर देते हैं आम जगह पे उसको नहीं बहने देते हैं तो ये क्या है तो देखिए अगर ऐसा किसी तस्वर के तहत कर रहे हैं उनका अगर ऐसा कोई सोचना है कि इस्लाम ने ऐसे ही कहा है उस पानी की बेहरमती नहीं होनी चाहिए कहीं इधर उधर नहीं जाना चाहिए तो फिर गलत है इसका कोई सबूत किताब सुनत में नहीं है बल्कि आप देखें कि एक आदमी जब जिंदा होता है तो मुर्दा होने की बनस्बत ज़्यादा काबिल एहतमाम होता है कि उसका अहतमाम हो उसकी इज्जत हो उसकी देखभाल हो मुर्दा होने के बाद भी उसकी हरमत है लेकिन जब जिंदा है तो उसकी हुरमत और ज़्यादा है लेकिन एक जिंदा आदमी जब नहाता है बाथरूम में तो पानी कहाँ जाता है ऐसा तो नहीं है ना कि वो पानी कहीं दफन किया जाता हो अलग से कहीं रखा जाता हो तो जब जिंदगी में हालत हयात में जब वो नहाता है तो पानी कहीं भी जाता है कोई मसला नहीं तो अब उसकी वफ़ात होने के बाद उसको नहला रहे हैं तो उस पानी को इकट्ठा करके कहीं दफन करना तो ये तो बहुत ही अजीब बात है तो अगर इस तस्वर के साथ वो लोग ऐसा कर रहे हैं कि इसमें मैयत की बेहरमती ना हो इस पानी का एहतराम हो तब तो ये बिदत है ऐसा नहीं करना चाहिए और अगर कहीं इतफाक़ से ऐसी जगह पर है कि पानी बहने का कोई रास्ता नहीं है वहाँ इतफाक से किसी ने गड्ढा खोद दिया है तो कोई मसला नहीं है क्योंकि मकसद वो नहीं है उसका एहतराम मकसद पानी का एहतराम मकसूद नहीं है पानी को किसी तरह से एक जगह खपाना मकसूद है लेकिन अगर एहतराम मकसूद है यानी वो पानी किसी नाले वगैरह में आराम से बहाया जा सकता हो लेकिन आदमी ज़बरदस्ती वहाँ गड्ढा खोदता है ताकि यहाँ पे ये पानी हो इसकी बेहरमती ना हो जैसे बहुत सारे लोग कुर्बानी का जानवर जबा करते हैं तो उस खून को काबिल एहतराम समझते हैं और उसे आम जगह पे नहीं बहने देते हैं कहीं गड्ढा खोद के जाके दफन करते हैं तो इस तरह से अगर कोई आदमी मईत को नारायण के बाद पानी को ले जाकर कहीं दफ़न करता है तो ये बिदात है इसका कोई सबूत नहीं है ऐसा नहीं करना चाहिए उम्मीद है कि आपको जवाब मिल गया होगा आगे बढ़ते हैं अगला सवाल देखते हैं असलम मेरा नाम अफजा जाबिर है मैं यूपी का रहने वाला हूँ मैं मेरी दुकान के पड़ोस में एक मस्जिद है उसमें मज़ार बनी हुई है और बाकी मस्जिदें दो दु, दु, दुकान से दूर हैं तो किसी वजह से दु, दु, दुकान से दूर नहीं जा पाता हूँ क्या उस मस्जिद में नमाज़ पढ़ना बेहतर है जिसमें क़ब्र है या दूसरी जाना बेहतर है ये एक भाई साहब है ये कह रहे हैं कि हमारी एक दुकान है पास में एक मस्जिद है लेकिन वहाँ पे कब्र है मज़ार है और मस्जिदें हैं लेकिन वो बहुत दूर है तो हम किस मस्जिद में नमाज़ पढ़ें क्या ये पास वाली मस्जिद में नमाज़ पढ़ सकते हैं जिसमें खबर है तो देखिए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बहुत सारी अहदीस में इस बात की शदीद मजम्मत की है कि आदमी ख़बरों पर मस्जिदें बनाए बल्कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो लानत भी भेजी है ऐसे लोगों पर जो खबरों पर मस्जिद बनाते हैं और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, ने दुआ फरमाई है कि अल्लाह मेरी ख़बर को इस तरह नहीं बनाना कि लोग जो है उसकी पूजा करें तो ये बहुत गलत बात है ऐसा नहीं करना चाहिए कि मस्जिद में क़बर बना लें या क़बर पहले से है और वहाँ जाके मस्जिद बना लें इसकी कोई गुंजाइश नहीं है ऐसी मस्जिदों में नमाज़ नहीं पढ़ना चाहिए जिन मस्ाजिद में कबर है बाज बाजह ने लिखा है कि अगर क़बर पहले से थी और वहाँ पर जाके मस्जिद बना ली गई है तो उसमें नमाज नहीं पढ़ सकते हैं उस मस्जिद को तोड़ना ज़रूरी है लेकिन अगर मस्जिद पहले बनी हुई थी और बाद में वहाँ जाके के कबर रख दी गई है बना दी गई है तो उस कबर को वहां से हटाया जाएगा और मस्जिद अपनी जगह पर ठीक ठाक रहेगी वहाँ आदमी नमाज पढ़ सकता है लेकिन आमतौर तो से उलमा लिखते हैं कि अगर मस्जिद में क़बर है कैसे भी है तो उसमें नमाज नहीं पढ़ना चाहिए बल्कि बाद ने लिखा, में लिखा उसमें नमाज होती ही नहीं उसमें नमाज़ नहीं पढ़ना चाहिए उसमें नमाज पढ़ेगी तो नमाज नहीं होगी इसलिए ऐसी मस्जिदों में बिल्कुल नमाज नहीं पढ़ना चाहिए जिन मसाजिद में मज़ार है कबर है उसमें बिल्कुल भी नमाज नहीं पढ़ना चाहिए और हम सब ऐसी मसाजिद का हाल जानते हैं कि जहाँ मसाजिद के साथ मज़ार बना दिया गया है कबर बना दी गई है वहाँ क्या हाल होता है बताइए मस्जिद का एहतराम पामाल होता है मस्जिद से ज़्यादा उसका एहतराम होता है ये तो एक सानवी चीज़ बनकर रह जाती है मस्जिद और सारा एहतमाम सारा ताम जहाँ वहाँ पर जाके होता है कबर के पास तो ऐसी मसाजिद में नमाज़ नहीं पढ़नी चाहिए रही बात ये जो बाज़ लोग एतराज़ पेश करते हैं कि अगर ऐसी बात है कि कबर वाली मस्जिद में नमाज नहीं हो सकती है या नमाज नहीं पढ़ना चाहिए तो फिर मस्जिद नबवी जिसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कब्र है वहां पे नमाज कैसे हो जाती है तो इसका जवाब ये है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कब्र का मामला बिल्कुल अलग है देखिए दूसरी कब्र वाली जो मसाजिद हैं उनकी सूरत क्या होती है दो होती है दो में से कोई एक सूरत होती है या तो पहले से कब्र है किसी नेक आदमी की बुजुर्ग आदमी की वहां पर जाके मस्जिद बना लिया या फिर ये कि पहले से मस्जिद बनी हुई है और उसमें किसी बुजुर्ग आदमी को ले जाकर दफन करके उसका मजार बना लिया इन दो में से कोई एक बात होती है लेकिन मस्जिद नबी का मामला इन दोनों में से कोई भी नहीं है बिल्कुल अलग है आप की जहां पर वफात हुई थी वहीं पर आप वसल्लम की तदफीन हुई है और वहां पर पहले से कोई मस्जिद नहीं थी जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वहां पे दफन किया गया है तो उस वक्त वहाँ पर कोई मस्जिद नहीं थी और ऐसा भी नहीं है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जहाँ पे दफन किया गया था जहाँ पे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कब्र थी वहां पर बाद में मस्जिद बना ली गई ऐसा भी नहीं बल्कि मामला क्या है मामला ये है कि मस्जिद नबी की तोसी की गई तो करते हुए वो हिस्सा भी आ गया उस एरिया में ये मामला है ये बिल्कुल अलग थलग मामला है ना तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कबर पे मस्जिद बनाना मकसूद है ना वो नीयत है ना वो इरादा है कुछ भी नहीं है ना आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कबर पे मस्जिद बनाई गई है और ना ही किसी मस्जिद में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दफन किया गया है इसलिए वो मामला मुस्तना है बिल्कुल अलग थलग है वहाँ पे एक उज़्र की बात थी एक मजबूरी की बात थी इसलिए उस मस्जिद की तो जब तोसी की गई तो वो एरिया भी अंदर आ गया लेकिन वहाँ भी उस कबर की तरफ रुक करके कोई नमाम नहीं पड़ता या कोई शिरकिया काम वहाँ पे नहीं होता एक मजबूरी के तहत वह कबर मस्जिद में आ गई है इसलिए वह मामला अलग है बाकी दूसरी जगहों का हाल ये होता है कि या तो किसी बुजुर्ग की कबर है और वहाँ पे मस्जिद बना गई या पहले से मस्जिद है वहां लाके किसी बुजुर्ग को दफन कर दिया गया तो ये मामला अलग है और इसी मामले से मुतलिक वह तमाम अदीस है जिनमें अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कब्रों पर मस्जिदें बनाने से रोका है तो खुलासा ये कि कब्र वाली जो मसाजिद है इनमें आपको नमाज नहीं पढ़ना चाहिए और बिल्कुल ऐसी मसाजिद से दूर रहना चाहिए उन मसाजि में जाके आप नमाज पढ़ें जिनमें कब्र नहीं है उम्मीद है कि आपको जवाब मिल गया होगा आगे बढ़ते हैं अगला सवाल देखते हैं अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू जी मैं सऊदी अरब से बोल रहा हूँ मेरा नाम सलमान है मेरा सवाल ये शेख साहब जैसा कि लोग बोलते हैं कि मरने के बाद आदमी जो कब्र में चला जाता है और वहाँ फरिश्ते सवाल जवाब होते हैं वहाँ तो इंसान अरबी में बोलता है फिर वहाँ जा कर चाहे कोई वो किसी भी भाषा में बोलने रह बोलता रहने वाला हो दुनिया में लेकिन कब्र में जाने के बाद वो अरबी बोलता है तो क्या ये गलत है कि सही है जैसा कर खैर ये सलमान भाई हैं सऊदी अरब से सवाल पूछ रहे हैं इनका कहना यह है कि एक शख्स जब फौत हो जाता है और उसे क़ब्र में दफन कर दिया जाता है तो वहाँ पर उसकी अरबी हो जाती है यानी वो दुनिया में किसी भी भाषा में बात करता हो लेकिन जब क़ब्र में पहुँचता है तो वहाँ उसकी अरबी होती है वो अरबी समझने लगता है और अरबी में वो अब बात करता है तो इसकी क्या हकीकत है तो देखिए हमारे सामने तो कुरान और हदीस की रोशनी में ऐसी कोई बात नहीं है कि मरने के बाद आदमी की ज़बान अरबी हो जाती है। ऐसी कोई दलील हमारे सामने नहीं है अल्लाह ही बेहतर जानता है कि वहाँ कौन सी जबान होती है लेकिन ये जहन में रखें कि आदम अलैहिस्सलाम से लेकर अब तक जितनी कौमें आई हैं सबकी की अरबी नहीं थी हदीस में जो आता है कि जब एक शख्स कब्र में जाता है तो फरिश्ते आके सवाल करते हैं एक सवाल होता है मन रब का तुम्हारा रब कौन है फिर सवाल होता है कि मा दिन होगा तुम्हारा दिन क्या है इसी तरह एक सवाल होता है मन नबी होगा तुम्हारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कौन है तो ये जो सवाल होते हैं क़बर के ये अरबी में बताए गए हदीस में तो इससे शायद कुछ लोगों को शुभ हुआ कि हदीस में चूंकि ये अरबी अल्फाज हैं इसलिए क़बर में भी अरबी ही में पूछा जाएगा लेकिन याद रहे कि ये जो अरबी में सवाल बताए गए हैं अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो बयान फरमाया ऐसा नहीं है कि अल्लाह के नबी सह कि सिर्फ उम्मत मोहम्मदिया या अरबी जानने वालों ही के बारे में यह हदीस है यानी जो अरब में रहने वाले हैं वो कबर में जाते हैं तो उनसे ऐसे सवाल होगा नहीं बल्कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो आदम से लेकर क़यामत तक सारे इंसानों के बारे में यह कहा है सिर्फ अरबी दान के बारे में नहीं कहा है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुनिया में फ़ौत होने वाले हर शख्स के बारे में कहा है कि जब वो कब्र में जाता है तो उससे ये सवाल होते तो जब पहली कौमें थी और उनके भी नबी हुआ करते थे उन लोगों की अरबी नहीं थी ऐसी बहुत सारी कौमें हैं जो इस दुनिया में गुजरी हैं उनकी अरबी नहीं थी इसलिए इस हदीस की बुनियाद पर हम ये नहीं कहेंगे कि सबसे सवाल अरबी में होगा किस जबान में होगा ये अल्लाह ताला ही बेहतर जानता है ये गैब का मामला है कबर में क्या कैसे होगा वो गैबी चीज है वहाँ पर क्या चीज़ होगी जो हदीस में बता दी गई है कि ये चीज़ होना है उस पर हम ईमान लाते हैं ये जो सवालत हैं कि कबर में जो शख्स जाता है उससे ये तीन सवाल किए जाते हैं इन सवाल पर हमारा ईमान हमारा ईमान है कि ये सवाल किए जाएंगे लेकिन यह सवाल किस जबान में होंगे इसके बारे में कोई हदीस में नहीं है इसलिए हम इस बारे में खामोश रहें अल्लाह ही बेहतर जानता है कि वहां की जबान में सवाल होंगे मरने के बाद हर आदमी कबर में जाएगा और अभी नहीं पता है तो वहाँ जाके पता चल जाएगा कि कबर में कौन सी जबान में सवाल होगा लेकिन अभी तो हमारे पास ऐसी कोई दलील नहीं है कि हम कतई तौर पर कोई बात आपके सामने रख सकें उम्मीद है कि आपको जवाब मिल गया होगा आगे बढ़ते हैं अगला सवाल देखते हैं असलाकुम शेख उम्मीद एक खैरियत से होंगे मैंने पढ़ा था सुना इब्ने माजा में एक हदीस के साथ हदीस नंबर सात सौ चौदह के उस्मान बिन अबुल आस फरमाते हैं कि अल्लाह के, अल्ला के नबी ने मुझे हुक्म दिया कि मैं किसी ऐसे इंसान को मौजिन ना बनाऊँ जो उसकी उजरत लेता हो लेकिन आज हर जगह इमाम साहब उजरत लेते हैं फीस लेते हैं तो क्या उनको रखना और उनको उजरत देना सही है क्योंकि अल्लाह के रसूल की हदीस ऐसी आ रही है तो इस बारे में सही बात बताइए अस्सलाम वालेकुम ये एक भाई साहब है कहते हैं कि इन्होंने एक हदीस पढ़ी है जिसमें यह है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि ऐसे शख्स को मुअज़्ज़िन नहीं बनाना जो उजरत देता हो तो इस हदीस को पेश करके भाई साहब कहते हैं कि क्या मुअज़्ज़िन की ड्यूटी करके और कहीं पे मुअज़्ज़िन का पेशा इख्तियार करके उजरत ले सकते कि नहीं और उनको उजरत दे सकते हैं कि नहीं तो देखें आपके इस सवाल के जवाब में कई बातों की वजहत होनी चाहिए सबसे पहली बात ये कि जो हदीस आपने पेश किया उसका क्या मतलब है अहले इल्म ने उसका दो मतलब बताया है एक मतलब तो वो जो आप समझना चाह रहे हैं कि इस हदीस से ये साबित होता है कि अजान पे उजरत नहीं ली जा सकती है ये बात लोगों ने समझा इसे इनकार नहीं लेकिन अहिल इल्म की जमात ने इसी हदीस का एक मतलब ये भी समझा है कि इसी हदीस से पता चलता है कि अजान पर उजरत ली जा सकती है ये भी अहले इल्म का एक फहम है वो क्यों वो इसलिए ये अहले इल्म कहते हैं कि देखें कहीं पर भी किसी भी हदीस में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अलग से बतौर उसूल ये बात नहीं कही है कि अजान पर पैसे लेना अजान पे उजरत लेना हराम है नाजायज है ऐसा अल्लाह के नबी अलैहि वसल्लम ने नहीं कहा है अगर ऐसा अल्लाह के नबी अलैहि वसल्लम ने कहा होता अजान पे उजरत लेना हराम ना है तो फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को यह कहने की जरूरत ही न थी कि मुअज्जिन के लिए ऐसा फर्द तलाश करो जो उजरत ना ले तो यह कहना कि मुअज्जिन के लिए ऐसे शख्स को तलाश करो जो बगैर उजरत के ये काम कर सकता हो ये हदीस खुद ये मफहम अपने अंदर रखती है की उजरत लेकर अजान देने की गुंजाइश मौजूद है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस मुअज्जिन को पसंद किया है जो उजरत नहीं लेता है और अजान देता है लेकिन अगर कोई उजरत लेकर अजान देता है तो इस हदीस में उसकी ममानियत नहीं है इस हदीस में ऐसा कुछ नहीं है कि वो अमल हराम और नाजायज बल्कि उसके जवाब की तरफ इशारा मिलता है अगर अजान पे उजरत लेना ये हराम ही होता इतलाक़ तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये नहीं कहते कि ऐसा आदमी तलाश करो जो उजरत नहीं लेता है बल्कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते कि ऐसा आदमी तलाश करो जो अजान दे सके अजान के लिए कोई आदमी ढूंढो उसमें उजरत की बात लाते ही नहीं अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम साफ कहते कि किसी मोजिद को तलाश करो इस काम के लिए किसी आदमी को तलाश करो कौन आदमी मिलेगा जो ये काम कर सकता है लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये कंडीशन रखना कि ऐसे आदमी को तलाश करो जो उजरत ना ले ये जहां ये बताता है कि बगैर उजरत के अजान देना बहुत अच्छा काम है वहीं पर यह भी बताता है कि अगर कोई उजरत ले रहा है तो ये हराम और नाजायज नहीं है इसकी गुंजाइश तो वो जो आपने मफहम बयान किया है वो बाजिल ने समझा उससे इनकार नहीं है लेकिन एक दूसरा मफहम भी बाज़ल ने समझा है इना का कहना है कि अगर अजान पे उजरत लेना हराम और नाजायज होता तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अलग से यानी ये जो मुआवजन तलाश करने वाली रवायत है इसके अलावा बतौर उ बात कहते कि ये काम हराम है ये काम नाजायज है ऐसा नहीं करना चाहिए जब उस तौर पर किसी काम पर उजरत को हराम कर दिया जाएगा तो उस काम के लिए किसी को तलाश किया जाएगा तो वहां उजरत की बात नहीं लाई जाएगी तो बहरहाल ये पहली बात है कि इस हदीस का मफहूम क्या है कुछ उलमा समझते हैं कि इससे पता चलता है कि मुआजिन को उजरत नहीं लेना चाहिए और कुछ उलमा कहते हैं कि नहीं इससे पता चलता है कि उजरत ले सकते हैं लेकिन अगर उजरत ना ले कोई तो ये अच्छी बात है साथ में ये भी देखें कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अम् के बारे में ऐसी कोई बात नहीं कही है ये मोजिन के बारे में और जो लोग इमाम के बारे में कहते हैं कि वो उजरत नहीं ले सकता वो भी इसी मोजि वाली बात पर कयास करते हैं लेकिन जैसा कि मैंने बताया कि अहले इल्म का जो दूसरा गिरोह है वो चाहे मोजिन की बात हो चाहे इमाम की बात हो उनका कहना यही है कि उजरत अगर कोई नहीं लेता है तो बहुत अच्छी बात है ऐसा आदमी अगर अवेलेबल हो तो उसी को सिलेक्ट करना चाहिए उसी को मुंतखब करना चाहिए लेकिन अगर ऐसा आदमी अवेलेबल नहीं है तो फिर दूसरा ऑप्शन ही रहेगा कि उसको उजरत वाले इमाम को रखा जाएगा ये पहली बात है जिसमें मैंने हदीस का दो मफूम आपके सामने रखा दूसरी बात यह है कि चलो हम थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं कि हदीस का जो पहला मफूम है वही फाइनल है वही सही है चलो हम इसको मान लेते हैं यानी अजान पे उजरत नहीं ली जा सकती है मान लेते हैं कि ये मफहम सही है तो यह मफहम उलमा मानते हैं उन उलमा का भी यह कहना है कि अगर बिला उजरत अजान देने वाला या बिला उजरत इमामत करने वाला कोई ना मिले तो फिर यह जायज हो जाएगा कि उजरत पर किसी को अजान के लिए रखा जाए उजरत पर किसी को इमामत के लिए रखा जाए क्योंकि यह चीज मजबूरी की बन जाएगी जब कोई भी शख्स उसके लिए नहीं खड़ा हो रहा है और खासतौर से आज के ज़माने में तो कौन खड़ा होगा आज के ज़माने में तो ढूंढने से कोई ऐसी मस्जिद नहीं मिलती है जहाँ कोई फ्री में इमामत कर रहा हो और फ्री में मोजि का काम कर रहा हो तो जो उलमा ये मानते हैं कि उजरत पर अजान नहीं दे सकते उजरत पर इमामत नहीं कर सकते वो उलमा भी इस बात के कायल हैं कि अगर इसके लिए कोई नहीं मिलता है तो उजरत ले सकते हैं तो ये दूसरी बातें यह भी जहन में रखें कि जब मजबूरी की बात आती है तो यहाँ पे यह गुंजाइश निकलती है कि जब कोई उसके लिए तैयार नहीं हो रहा है तो पैसा देकर ही उसके लिए किसी को रखना पड़े उसको रखा जाएगा एक तीसरी बात यह भी जहन में रखें कि जो अलमा ये कहते हैं कि उजरत पर इमाम को नहीं रखा जाएगा उनका ये मतलब नहीं है कि इमाम और मुआजिन को पाँच पैसा भी नहीं दिया जाएगा उनको कुछ नहीं दिया जाएगा वो आए अजान दें इमामत करे और उनके बाल बच्चे मर रहे हैं भूखे मर रहे हैं उसे कोई लेना देना नहीं हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं बस बसला के उनको में बांध दो इमामत करे जान दे अब उसके बीवी क्या कर रही है उसके बच्चे क्या कर रहे हैं उसे कोई मतलब नहीं ये नहीं कहते जो उलमा ये है कहते हैं कि उजरत पर इमाम को नहीं रखना है उजरत पर मुआजिन को नहीं रखना है वही उलमा कहते हैं कि बैतुल माल से इनका रिस्क आना चाहिए यानी बैतुल माल से इनकी किफालत होनी चाहिए और ये किफालत का मतलब क्या है कि इमाम या मुअज़्ज़िन को जिस चीज की जरूरत है वो चीज फराहम करनी चाहिए बैतुलमाल से इनको मिलना चाहिए हो या इमाम तनख्वाह नहीं सैलरी नहीं उनकी जरूरत इसको रिस्क कहते हैं रिस्क तो उनकी जरूरत क्या है वो बैतुलमाल से आना चाहिए जरूरत में यह भी जहर में रखें कि आजकल जैसे बीमारी आम है ना तो हो सकता है कि कोई बड़ी बीमारी लग गई इमाम को मोजिन को ऑपरेशन करना पड़ा दस लाख रुपया लग रहा है तो ये दस लाख बैतुलमाल से पे होना चाहिए यानी उसकी सारी जरूरतें पूरी होनी चाहिए बैतुलमाल से तो जो लोग कहते हैं ना कि उजरत नहीं देना है वो तो ये भी कहते हैं ना कि उसको वजीफा मिलना चाहिए उसकी ज़रूरत के बकदर मिलना चाहिए ये तो सैलरी से बेस्ट ऑप्शन है सैलरी से बेहतर ही ये हम तो कहते हैं कि जो उलमा ये कह रहे हैं कि इमाम को तनख्वाह मत दो मुअज्जिन को तनख्वाह मत दो उनकी किफालत करो यानी उनको जो ज़रूरत है वो दो हम कहते हैं कि सैलरी uh से बेस्ट ऑप्शन है अगर वाकई इस पर लोग तैयार हो जाए तो सैलरी खत्म कर दी जाए बहुत अच्छी बात है

ये जो इख्तलाफ है कि उजरत पर मुअज़्ज़िन रखा जाएगा या नहीं उजरत पर इमाम रखा जाएगा कि नहीं इस इख्तलाफ पर बहस करने का वक्त तब है जब किसी मस्जिद के लिए इमाम तलाश किया जा रहा हो या मुआजिन तलाश किया जा रहा हो ये बहुत अहम पॉइंट है जरा गौर से सुनिएगा ये जो लोग भी बहस करते ना कि इमाम उजरत ले सकता है कि नहीं मुअज़्ज़िन उजरत ले सकता है कि नहीं इस बहस का वक्त कहां है इस बहस का वक्त वह वक्त है जब किसी मस्जिद के लिए किसी इमाम की तलाश जारी हो किसी मुआजिन की तलाश जारी हो वहां यह बहस कीजिए और अगर किसी मस्जिद की इंतजामिया को या वहां रहने वाले लोगों को लगता है कि राजह मौक यही है कि उजरत पर मुअज्जिन नहीं रखा जा सकता उजरत पर इमाम नहीं रखा जा सकता तो वो मुअज्जिन और इमाम की तलाश के वक्त ही ऐसा मुज्जिन ढूंढ कर लाएं ऐसा इमाम ढूंढ कर लाएं और उसे बताएं पहले से यह तय हो कि आपको तरखाए नहीं दी जाएगी यह तय कर लिया जाए यह है इस इख्तलाफ का वक्त यह है इस मौकफ को अप्लाई करने का वक्त लेकिन आजकल हो क्या रहा है हो यह रहा है कि एक उजरत वाले मुआजिन को रखा जाता है यानी मुज्जिन रखना होता है तो एक मोज्जिन साहब को रखते हैं और कहते हैं कि आपको दस हजार रुपया देंगे एक इमाम को रखा जाता है भाई आपको आठ हजार रुपया देंगे ये तय करके रखा जाता है कि मोजिन साहब आपकी तनख्वाह इतनी है इमाम साहब आपकी तनख्वाह इतनी है उसको इमाम या मोजिन को तनख्वाह पर तय करके रख लिया जाता है अब रखने के बाद कुछ मुफ्ती खड़े होते और आके ये खुराफात और ये फितना खड़ा करते नहीं वो इमाम साहब को तनख्वाह नहीं देना चाहिए तो हराम और ना जायज को तनख्वाह नहीं देना चाहिए हराम और ना जायज ये भाई ये फतवा यहाँ कैसे अप्लाई होगा यहां तो एक शख्स को रख लिया गया एक मुहिदे के तहत बतौर अजीर उसको आपने रख लिया है इसलिए जब उसको आपने उजरत पे रखा है चाहे इमाम हो चाहे मोज़िन हो तो यहां पर अब वो हदीस अप्लाई नहीं कर सकते कि मोज़िन तनख्वाह नहीं ले सकता इमाम तनख्वाह नहीं ले सकता बल्कि यहां पर वो सारी हदीसें अप्लाई होंगी जिनमें अल्लाह के नबी सल्ला ने अजीर को मजदूर को उसकी उजरत देने की बात कही है कि अगर आप किसी को अजीर रखते हैं तो उसके हकूक क्या है उसकी उजरत आपको कैसे देनी है कब देनी है इस ताल्लुक से जो अहादीस है वो हदीस यहां पे अप्लाई होगी कहां पे उस मस्जिद में जहां किसी इमाम को या किसी मुअज्जिन को बतौर अजीर रख लिया गया है तो भाई जब मामला उजरत पर तय हुआ है तो वहां आप ये बगैर उजरत वाली हदीस को ला नहीं पेश करेंगे आप ये तब पेश करते जब इमाम का इंतखाब हो रहा था मुअज्जिन का इंतखाब हो रहा था उस वक्त आप पेश करते और कहते कि नहीं उजरत मत रखो लेकिन आपने रख लिया किसी भी वजह से आपको कोई इमाम नहीं मिल रहा था आपको कोई मुज्जिन नहीं मिल रहा था फिर आपने या तो उन उलमा के फतवे पे अमल किया जो मोजिन को इमाम को उजरत देने के जवाब के कायल है या उन उलमा के जो कायल नहीं है लेकिन बसूरत मजबूरी कायल है दोनों में से किसी के भी फतवे पे अमल करते हुए आपने बहैसीत अजीर रख लिया है तो जब आपने किसी इमाम और मोजिन को बहसीत अजीर रख लिया है तो अब आप उजरत की बात कीजिए अब आप अजीर के हकूक की बात कीजिए अब आप वो हदीस मत लाइए कि इमामजिन के लिए उजरत लेना दुरुस्त नहीं है तो ये चंद चीज़ें हैं इसकी वजाहत बहुत ज़रूरी है ये सारी चीज़ें सामने रखना चाहिए उसके बाद ये बात उठानी चाहिए कि इमाम के लिए या मुआजि के लिए उजरत लेना दुरुस्त है कि नहीं मुसीबत यह है कि हमारे दौर में बाकायदा तय करके उजरत पर रख लिया जाता है रखने के एक दो महीने बाद एक दो साल के बाद फतवे अप्लाई किए जाते हैं फला का फतवा नहीं ले सकते फला का फतवा अरे भाई फला का फतवा तो तो रखा क्यों जरूरत पे क्यों कहा कि आपको तनखा देंगे नहीं रखना चाहिए था आपको खुद इमाम बनना चाहिए था आपको खुद मवजे बनना चाहिए था नहीं रखना लेकिन ये बहुत गलत बात है कि आप रख लें बहसीतें अजीर और रखने के बाद आप बहस करने बैठ जाएं कि नहीं उजरत देना ना जाए जो हराम है ये बहुत गलत बात है तो खुलासा ये है कि सारे पहलुओं को सामने रख के बात करना चाहिए सारी चीजों को सामने रख के सोचना चाहिए कि असल मसला क्या है उसकी नौयत किया उम्मीद है कि ये बातें आपके लिए वाजे हो गई होंगी नाजरीन आगे बढ़ने से पहले एक बार फिर आपके सामने वाजे कर दें कि अगर आप भी अपने सवाल हम तक भेजना चाहें तो स्क्रीन पर जो नंबर शो हो रहा है इसे नोट फरमा लें इस नंबर पर आप अपने सवाल भेज सकते हैं वीडियो में ऑडियो में या लिख कर लेकिन याद रहे कि जो सवाल हमको वीडियो या ऑडियो में मौसू होते हैं हम जवाब के लिए उन्हें पहले चलते हैं सवाल पूछते हुए ध्यान दें कि आपका सवाल मुख्तसर हो कम से कम अल्फाज पर मुश्तमिल आपका सवाल बामकसद हो उसका ताल्लुक अमल व इबादत से हो फर्जी सवाल ना हो इसी तरह सवाल पूछते हुए अपना नाम और पता भी बताने की कोशिश करें इन चीज़ों का ख्याल करते हुए अगर आपके सवाल हम तक आएंगे तो हमारी पूरी कोशिश होगी क्योंकि जो सही जवाब हो सकते हैं वो आप तक पहुँच जाए आगे बढ़ते हैं कुछ और सवाल हैं उनको देखते हैं देखते हैं अगला सवाल असलकुम मेरा नाम मोहम्मद तुफैल है और मैं झारखंड का रहने वाला हूँ शेख मेरा सवाल यह है कि क्या गवर्नमेंट की तरफ से जो राशन मिलता है क्योंकि हम लोग ये पता है कि गवर्नमेंट जो टैक्स वसूलती है वो शराब के कारोबार से और सूद के कारोबार से जो मुनाफा उसके उस कारोबार से जो टैक्स आता है वो गवर्नमेंट को जाता है तो क्या गवर्नमेंट जो फ्री राशन देती है वो हम लोग ले सकते हैं इस बारे में रहनमाय सरमाई असलकम ये मोहम्मद तफेल तो भाई हैं झारखंड से सवाल पूछ रहे हैं कह रहे हैं हुकूमत शराब वगैरह का जो कारोबार होता है उस पर टैक्स वसूल करती है और फिर उसी पैसे से राशन वगैरह बांटती है तो क्या हम वो राशन वगैरह जो हुकूमत की तरफ से हमको मिलता है हम ले सकते हैं कि नहीं तो देखिए सबसे पहले तो आपको ये बता दें कि जो टैक्स लिया जाता है हुकूमत की तरफ से ऐसा नहीं कि जो हराम काम है वहीं से सिर्फ लिया जाता है बहुत सारे हलाल काम है वहाँ पर भी टैक्स होता है और दूसरी बात यह है कि हुकूमत का अपना सोर्स ऑफ इनकम क्या है इसे कोई लेना देना नहीं हम हुकूमत की रियाया है हम यहाँ पे एक हुकूमत के जेर साय रहते हैं अब हुकूमत की अपनी जिम्मेदारी है कि अपने यहाँ रहने वाले लोगों को सहूलियात फ्राहम करें तो हुकूमत अपना फ़र्ज़ पूरा करने के लिए वो पैसे कहाँ से कमा रही है ये उसका काम है लेकिन हमें जो सहूलत मिल रही है हम उस सहूलत को ले सकते हैं क्योंकि ये हमारा हक है किसी मुल्क में रहते हुए हमारा ये हक है हुकूमत जिम्मेदार है कि हमें कुछ चीज़ों की सहूलत फ्राहम करे तो ये सहूलतें फ्राहम करने में हुकूमत के पास पैसे कहाँ से आते हैं ये उनका प्रॉब्लम ये उनका मसला है लेकिन पैसे हमको मिलना चाहिए ये हमारा हक है इसको मिसाल से यू समझे कि आप किसी दुकान को माल दे रहे हैं कोई माल दे रहे हैं कोई सामान दे रहे हैं बदले में उससे पैसा ले रहे हैं तो वो जो पैसा आपको दे रहा है आपको पता है कि उसका सोर्स ऑफ इनकम क्या है कहाँ कहाँ से वो कमाता है बिलफर्ज अगर वो गैर मुस्लिम है तो उसके यहाँ तो हलालो हराम की कोई तमीज नहीं है शराब का मसला है और बहुत सारी चीजें उसके जायज जायज होती हैं जो हमारी में जायज नहीं है। लेकिन हम उससे अगर कोई चीज कीमत रहे हैं तो वो कीमत हमारे लिए नहीं हो जाएगी। के के में करते थे सूद खाते थे कुफार सर, वो हराम में। लेकिन सहाबा उनके साथ तजारत करते थे तो अगर उनको कोई आप सूद खाने वाले को या हराम कारोबार करने वाले कोई माल दे रहे उसके एवज में आप पैसे ले रहे हैं तो अब यहाँ पर आप जो है ये नहीं देखेंगे कि यार वो पैसा कहां से लाया आपने उसको एक माल दिया उसके बदले में आपने लिया है तो इस मिसाल से आप इस मसले को समझ सकते हैं हम ये नहीं कहते कि इस मसले की बिल्कुल ठीक ये मिसाल है नहीं ये मसला अलग है और ये जो आपने पूछा ये मसला अलग है लेकिन ये मिसाल मैंने सिर्फ ये बताने के लिए दी है कि कभी कभी हम किसी से पैसा ले रहे होते हैं और उसका कारोबार जो है हराम का होता है लेकिन इसके बावजूद भी हमारा उससे वो पैसा लेना जायज होता है क्योंकि हमने उसको एक सर्विस दिया है एक चीज़ दिया है उसकी कीमत हम वसूल कर रहे हैं उससे वो पैसा कहाँ से ला रहा है उसका मतलब ये एक मिसाल है इस मिसाल को देखने के बाद अब असल मसले पर आते हैं ये जो मसला है कि हुकूमत का तो देखिए हुकूमत जिम्मेदार है अपने रिहाय की सहूलत देने की चूंकि ये हुकूमत का फर्ज है उसकी जिम्मेदारी है इसलिए हम वो सहूलत हुकूमत से वसूल कर सकते हैं वो हम ले सकते हैं इस चीज की एक और करीब तरीन मिसाल देखनी हो तो ये मिसाल देख सकते हैं कि अगर एक बाप हराम कारोबार कर रहा है और अपने छोटे बच्चों को पाल पोस रहा है तो छोटे बच्चों का जो खर्च है उनका जो नफका है ये बाप पर वाजिब है जरूरी है तो बाप का कारोबार गर्चे हराम हो इसके बावजूद भी बच्चों का बाप के पैसे से खर्चा लेना जबकि वो खुद अपने पाँव पे नहीं खड़े हैं छोटे हैं तो ये उनके लिए जायज होगा ये बाप का मसला है कि वो कहां से ला रहा है तो बाप का जो इनकम है उससे लेना देना नहीं लेकिन चूंकि बच्चों का ये हक है कि बाप से खर्चा वसूल करें इसलिए बच्चे वो पैसा ले सकते हैं एक और मिसाल लें शोहर और बीवी का कि बीवी का खर्च देना ये शोहर पर लाजिम है बीवी का कपड़ा लता उसका रहना सहना उसका खाना पीना दवा इलाज ये शोहर पर लाजिम है अब ये शोहर कहाँ से ला रहा है कहाँ से कमा रहा है वो कहीं से भी कमा रहा हो बीवी का उसे लेना जायज हो जाएगा क्योंकि ये इसके लिए हराम है ये हरामकारी कर रहा है ये गलत कर रहा है लेकिन बीवी एक सर्विस दे रही है उसको एक अकद पर है एक एग्रीमेंट पर है एक कॉन्ट्रैक्ट पर है तो उसको पे करना पड़ेगा पैसा तो उसको देना पड़ेगा जो उसकी जिम्मेदारी है वो कहीं से भी ला के दी उसको देना पड़ेगा लेकिन बीवी के लिए जायज होगा ये नहीं कहेंगे कि वो हराम कमा के लाया है इसलिए बीवी उसको नहीं ले सकती नहीं तुम हलाल तरह से कमा के लाओ हाँ अगर बीवी मुसलमान है ईसाई नहीं है एहले किताब नहीं है मुसलमान है तो उसका हक है शौहर को बताना कि हराम काम मत करो ये मत करो वो मत करो उसको कहना चाहिए बल्कि उसको तो यहाँ तक कदम उठाना चाहिए कि अगर शौहर हराम कमाई पे पाल रहा है उसको और हराम खा रहा है तो उसको तो खला लेके अलग हो जाना चाहिए ये तक करना चाहिए लेकिन अगर किसी वजह से वो बीवी उसके साथ रह रही है और वो अपना खर्चा वसूल कर रही है तो उसमें कोई हारज की बात नहीं तो ऐसे हुकूमत का मसला है भाई हुकूमत की जिम्मेदारी होती है कि अपनी रियाया के लिए अपने यहाँ रहने वाले लोगों के लिए सहूलियात फराहम करें उनको वो पोस्ट दी जाती है उनको वो अहदा इसीलिए दिया जाता है कि वहां पर ये काम करें बहुत सारे जो उनके फ़राज हैं उनमें से एक फ़र्ज ये भी होता है कि अपनी रिहाई की देखभाल करें ये उनका फ़र्ज़ है ये उनका काम है ये उनकी ड्यूटी है अब अगर वो अपनी ड्यूटी गलत तरीके से करें यह उनका मसला है लेकिन हमारा जो हक़ है हम वहां से वसूल कर सकते हैं उम्मीद है कि आपको जवाब मिल गया होगा आगे बढ़ते हैं अगला सवाल देखते हैं। असल वरम्तुल्ल जी मैं पूछना चाहता हूँ कि जुमा की नमाज़ के लिए क्या शर्त है मस्जिद या फिर हम कहीं भी पढ़ सकते हैं जुमा की नमाज़ जैसे कि अभी हमारा कंपनी में मस्जिद नहीं है तो हम लोग जुमा की नमाज़ चार पांच आदमी मिलकर पढ़ते हैं तो क्या जुमा की नमाज़ हमारी होगी या फिर हमें जहर की या जहर की नमाज़ पढ़नी पड़ेगी ये एक भाई साहब है इनका कहना है कि क्या जुमा की नमाज के लिए मस्जिद शर्त है तो हमारी मालूम में कुरान और हदीस से ऐसी कोई दलील मौजूद नहीं है कि जिसमें यह हो कि जुमा की नमाज के लिए मस्जिद शर्त है मस्जिद शर्त है, नहीं मस्जिद के अलावा भी कहीं भी नमाज पढ़ी जा सकती है मुसनफ इबन अभी शैबा वगैरह में आसार भी मिलते हैं साहब के जैसे उमर फारूक रजी का एक असर मिलता है कि उन्होंने लोगों से कहा कि तुम जहाँ कहीं भी रहो वहाँ पे जुमा कायम करो ऐसे अनस बिन मालिक रजी अल्लाह तन के बारे में मिलता है कि वो कभी मस्जिद में जा जुमा पढ़ते थे और कभी अपने घर वालों को इकट्ठा करके वहीं उनको जुमा की नमाज़ पढ़ाते थे इसलिए हमारी मालूम की हद तक कहीं पर भी जुमा हो सकता है लोग इकट्ठा हुए और जुमा पढ़ाया जा सकता है जैसे मुंबई में सुमैया ग्राउंड में जब प्रोग्राम हो रहा था तो वहाँ पे जुमा की नमाज़ अदा की गई थी जबकि वो मस्जिद नहीं है वो एक मैदान है लेकिन वहाँ पे दुनिया भर के लोग आए हुए थे वहाँ जुमा की नमाज़ हुई थी इमाम हरम भी थे सब थे वहाँ पर जो बड़ा सा प्रोग्राम हुआ था तो ऐसे ही अगर कोई मौका मिला और कहीं पर लोग जमा हुए हैं वहाँ जुमा पढ़ना चाहते हैं तो गरचे वो मस्जिद नहीं है वहाँ पे जुमा की नमाज हो सकती है कुरानो हदीस में इसको शर्त नहीं बताया गया है कि मस्जिद होना चाहिए मस्जिद के अलावा जमात है जमात शर्त है जमात जमात है तो वहाँ पे जुमा हो सकती है उम्मीद है कि आपको जवाब मिल गया होगा आगे बढ़ते हैं अगला सवाल देखते हैं असलकुम वरहतल्लाबरक मैं माजी जवाले मीरा रोड से बात कर रहा हूँ आपसे सवाल है कि क्या ये हदीस सही है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया कि मुझे हिंद से ठंडी हवा आ रही है प्लीज़ गिव एक्सप्लेनेशन ऑफ दिस हदीस विद रेफरेंस जैजा ये एक भाई साहब है मीरा रोड से सवाल कर रहे हैं कहते हैं कि क्या यह हदीस है कि अल्लाह के नबी वसल्लम ने, ने फ़रमाया कि मुझे हिंद से हवा आ रही है ये हदीस तो है लेकिन मरफू हदीस नहीं है मौखुफ़ीसूफ़ हदीस हदीस मतलब ये कि सहाबी का कौल है मुस्तरक हाकिम में एक रवायत है और ऐसे ही कुछ मुसनफ अब्दुल में रवायत है बिन अब्बास रजी के हवाले से भी और अली रजी अल्लाह उनके हवाले से भी अली रजी की जो रवायत है वो सनदन सही है मुस्दरक हाकिम को जो रवायत थी उसे भी इमाम हाकिम ने सही करार दिया उसमें ये दोनों सहाबा कहते हैं कि आदम अलैहिस्सलाम को जब जन्नत से अल्लाह उतारा था तो हिंदुस्तान में उतारा था हिंदुस्तान में उतारा था वहाँ पे ठंडी हवा आ रही थी तो हिंदुस्तान का जिक्र है और ठंडी हवा का जिक्र है कि हिंदुस्तान के इस इलाके से ठंडी हवा आती है तो ये जिक्र किया है अब्दुल्ला बिन अब्बास रजी अल्लाह तहो ने और अली रजी तनोह ने इन में से बाद सहाब से ये बात सनदन साबित है लेकिन इन सहाबे के नाम से सनदन साबित होने का ये मतलब नहीं है कि ये बात अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबित है या इन सहाबा ने अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इसको सुना है लिया है बल्कि एक और इम्कान है एहतमाल है वो ये कि इन सहाबा ने इस चीज़ को बनु इसराइल से अखस किया हो बनु इसराइल से लिया हो इसलिए इमाम इबन कसीर राम जो बहुत मशहूर मुफसर हैं वो इस तरह की रवायात के बारे में अपना बेहतरीन तबसरा करते हैं कि ये सारी चीज़ें इसराइली रवायात हैं कि आदम अलैहिस्सलाम को हिंदुस्तान में उतारा गया ये इसराइली रवायात है ये पता नहीं सही है या क्या है अल्लाह आलम इसलिए इमाम बिबन कसीर रहमल्ला कहते हैं कि हमें इस बात का मुकल्लफ नहीं किया गया कि हम ये पता लगाएं कि आदम अलैहिस्सलाम को कहाँ पे उतारा गया था अलबत्त आपने पूछा है तो मैंने वाजे कर दिया कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबित नहीं है सहाबा से ये कहना साबित है लेकिन सहाबा से ये साबित नहीं कि सहाबा ने यह बात नबी से सुन के बताई बल्कि इमाम इब्ने कसीर ने कसी की वजहत के मुताबिक ये सारी बातें इसराइली रवायात हैं जो सही भी हो सकती हैं गलत भी हो सकती हैं और हमारे लिए उसका जानना जरूरी नहीं है उम्मीद है कि बात आपके लिए वाजे होगी होगी नाजरीन वक्त खत्म हो चुका है इसी पर हम ये प्रोग्राम खत्म करते हैं और आखिर में आपके सामने फिर वाजे करते हैं कि अगर आप भी अपने सवाल भेजना चाहें तो स्क्रीन पर जो नंबर शो हो रहा है इसे नोट फरमा लें इस नंबर पर आप अपने सवाल भेज सकते हैं वीडियो में ऑडियो में या लिखकर लेकिन याद रखें जो सवाल वीडियो और ऑडियो में मौसू होते हैं हम जवाब के लिए उन्हें पहले चुनते हैं सवाल पूछते हुए ध्यान रखें आपका सवाल मुख्तसर हो आपका सवाल बामकसद हो और सवाल पूछते हुए अपना नाम और पता भी बताने की कोशिश करें इन चीज़ों का ख्याल करते हुए अगर आपके सवाल हम तक आएंगे तो हम पूरी कोशिश करेंगे कि उनके जो सही हो सकते हैं वो आप तक पहुंचाए इसी के साथ दीजिए इजाजत इनशा फिर मुलाकात होगी अगले प्रोग्राम में कुछ और सवाल और उनके जवाब के साथ असलाम्ला दिन की बात आम करने में आई प्लस टीवी की मदद करें पे या गूगल पे के लिए हमारे नंबर्स पर ट्रांसफर करें ऐसे ही और वीडियोस बनाने में हमारी मदद करें